बंधु भगिनी सर्वाना माझा नमस्कार। छत्रपति शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याची राजधानी असलेल्या रायगड जिल्ह्यामध्ये हे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ होते आहे, या स्वराज्य भूमीला माझा प्रणाम। महाराष्ट्र के राज्यपाल श्रीमान विद्यासागर राव, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, अशोक गजपति राजू जी, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान रविंद्र चव्हाण जी, विधायक श्रीमान प्रशांत ठाकुर जी और विशाल संख्या में पधारे हुए प्यारे भाई और बहन, कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का पर्व है और एक दिन पूर्व आज रायगढ़ जिले में अवसर अपने आप में एक सुहग संयोग है। आज दो कार्यक्रमों का मुझे अवसर मिला है, एक हमारे नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में भारत के शिपिंग क्षेत्र को, पोर्ट सेक्टर को और वॉटरवे को जिस प्रकार से एक नई चेतना मिली है और उसी के तहत मुंबई में जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का आज लोकार्पण हो रहा है। कई वर्षों से हम शब्द सुनते आए हैं ग्लोबलाइजेशन, विश्व व्यापार, सुनते तो बहुत सालों से आए हैं लेकिन ये विश्व व्यापार की संभावनाओं के संबंध में घर में बैठकर के चर्चा करते रहने से हम देश को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते। विश्व व्यापार का लाभ तब होता है कि विश्व के साथ जुड़ने के लिए आपके पास विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर हो। सामुद्रिक व्यापार उसमें एक बहुत बड़ी अहमियत रखता है और भारत एक भाग्यवान देश रहा कि सामुद्रिक शक्ति को पहचानने वाले सबसे पहले राजपुरुष, राष्ट्रपुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज थे और उसी का परिणाम है कि आज महाराष्ट्र में इतने सारे समुद्र से जुड़े हुए किलों की रचना और उसके साथ एक समुद्रिक शक्ति का एहसास। आज जब इतने वर्षों के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मरण करते हैं और जो है जेएनपीटी के चौथे टर्मिनल का हम लोकार्पण करते हैं तो हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे महापुरुष कितने दीर्घदृष्टा हुआ करते थे और कितने लंबे विजन के साथ सोचते थे। अगर विश्व व्यापार में भारत को अपनी जगह बनानी है तो भारत के पास सबसे ज्यादा समुद्री मार्ग की शक्ति को अनेक गुणा बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पोर्ट्स जितने अधिक मात्रा में डेवलप हो, आधुनिक हो,
टर्न अराउंड टाइम मिनिमम हो और तेज गति से चलने वाले जहाजों की श्रृंखला बढ़े, मिलियंस ऑफ टन हमारा गुड्स विश्व के बाजार में पहुंचे और कभी कभी पहुंचने की स्पर्धा होती है। एक बार ऑर्डर तय होने के बाद, आर्थिक कारोबार होने के बाद अगर कम समय में माल पहुंचता है तो खरीदने वाले व्यापारी को मुनाफा होता है, अगर वो देर से पहुंचता है तो उसको घाटा होता है। लेकिन वो तब पहुंचता है कि जब हमारे पोर्ट सेक्टर में उस प्रकार की फैसिलिटी हो। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत हम सिर्फ पोर्ट का ही डेवलपमेंट करना चाहते, ऐसा नहीं है, हम पोर्ट लेट डेवलपमेंट पर बल दे रहे हैं ताकि हमारे समुद्री तट के 7,500 किलोमीटर का विशाल समुद्र हमारे पास है, हम समुद्री क्षेत्र में महाशक्ति बनने की संभावना वाली, हमें भौगोलिक रूप से व्यवस्था मिली हुई है। ये हमारे लिए चुनौती है कि हम इसका अवसर कैसे फायदा उठाएं इस अवसर का, और हम अपनी व्यवस्थाओं को उस विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। भारत सरकार ने दिशा में बेड़ा उठाया है। दुनिया एनवायरनमेंट की चर्चा करती है, एनवायरनमेंट की समस्या के समाधान में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ट्रांसपोर्टेशन, और उस ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र के अंदर वॉटरवे, 100 से ज्यादा वॉटरवे हमने आइडेंटिफाई किए हैं, और पूरे देश में हमें लगता है कि गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए अगर हम रेल या रोड के बजाय अगर वॉटरवे का उपयोग करें, हमारी नदियों का, हमारे समुद्र तट का, तो हम बहुत ही कम खर्च में चीजों को मुहैया करा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, और एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान करके हम एक ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें भी अपना सकारात्मक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। उन विषयों को लेकर के आप देश में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज नवी मुंबई में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, और देश में आजादी के बाद इतना बड़ा ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एविएशन सेक्टर का, ये सबसे पहला हो रहा है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20 साल से आपने सुना है, कई चुनाव में इसके वादे किए होंगे, कई विधायक चुनकर के आए होंगे इस वादे पर, कई एमपी बनकर के आए होंगे, कई सरकारें बनी होगी, लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना, और उसका कारण क्या? इसके पीछे सरकार के काम करने के तौर तरीके सबसे बड़ी बात है। 1997 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब इसका सपना देखा गया, उसका विचार किया गया और बात आगे बढ़ी। और जब मैं प्रधानमंत्री बना तो मुझे और कोई काम है नहीं, खाली हाथ हूं तो दिन रात यही करता रहता हूं। तो ढूंढते ढूंढते मेरे ध्यान में आया कि सिर्फ नवी मुंबई एयरपोर्ट नहीं, हिंदुस्तान में अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे प्रोजेक्ट कभी 30 साल पहले घोषणा हुई, फाइल में मंजूरी मिल गई, कभी 20 साल पहले घोषणा हो गई, कभी तो नेताजी ने जाकर के पत्थर भी जड़ दिया, फोटो भी निकलवा दिया, भाषण भी कर दिया, लेकिन वो कागज और फाइल के बाहर प्रोजेक्ट कभी निकला ही नहीं। अब ये थोड़ा चिंता और चौंकाव वाली बात थी, तो मैंने एक प्रगति नाम का कार्यक्रम चला था, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए देश के सभी मुख्य सचिवों के साथ और भारत के सरकार के सभी सचिवों के साथ इन प्रोजेक्ट को लेकर के मैं बैठता हूं और खुद भी उसका मॉनिटरिंग रिव्यू करता हूं। और उसमें जैसे अभी देवेंद्र जी वर्णन कर रहे थे, ये प्रोजेक्ट मेरे सामने कुछ नहीं हुआ, कागज पे था, कल आएगा, कल एक कोई तो बयान देगा, ये तो हमारे समय में हुआ, ये तो लोगों की कमी नहीं है। और इसलिए
उस प्रगति के तहत सभी डिपार्टमेंट को बिठा करके समस्याओं का समाधान करिए भाई। अगर योजना बनी थी तो उस समय गलती क्यों की? अगर उस समय गलती नहीं की है तो आज लागू क्यों नहीं किया? सटीक सवालों के द्वारा चीजों को आगे बढ़ा, आपको जानकर के खुशी होगी। इस प्रगति के मॉनिटरिंग के द्वारा 20-30 साल पुराने लटके हुए और पुरानी सरकारों का स्वभाव था लटकाना, अटकाना, भटकाना, यही होता रहा। आप हैरान होंगे, करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट जो ऐसे ही लटके हुए, अटके हुए, भटके हुए पड़े थे, उनको हमने कार्यान्वित किया, धन का प्रबंधन किया और आज तेज गति से वो काम आगे चल रहे हैं। और उसी में नवी मुंबई वाला एयरपोर्ट का काम है। एविएशन सेक्टर हमारा तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे गजपति राजू जी आपको विस्तार से भी बता रहे थे, आज से 20-25 साल पहले पूरे हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर जितना ट्रैफिक था, पैसेंजर आते थे जाते थे, आज उससे भी ज्यादा अकेले मुंबई एयरपोर्ट पर ट्रैफिक है। आप सोचिए, पूरे देश में जो था इतना आज अकेले मुंबई में। आज वक्त ऐसा बदल चुका है कि जैसे आप बस की लाइन में लोगों को देखते हैं, अगर एयरपोर्ट पर जाएं लंबी कतार में लोग खड़े हैं जहाज में चढ़ने के लिए, और ये दिन भर हिंदुस्तान के कई एयरपोर्ट पर आपको देखने को मिलेगा। जिस तेजी से एविएशन सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, उसकी आवश्यकता के अनुसार हम एविएशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पीछे चल रहे हैं। हमारी कोशिश है स्पीड बढ़ाएं, उसको पूरा करने का प्रयास करें। हमने अब ये आपने बात से कई वर्षों पहले 80 के दशक में 21वीं सदी आ रही है, रोजाना आता था अखबारों में, लोग प्रधानमंत्री जी के मुंह से 21वीं सदी की चर्चा आती थी, लेकिन 21वीं सदी शब्द से आगे कभी गाड़ी बढ़ी नहीं। अगर 21वीं सदी का एविएशन सेक्टर कैसा होगा, उसके लिए किसी ने आज से 20-25 साल पहले सोचा होता तो शायद हमें आज जितनी दौड़ लगानी पड़ रही है शायद ना लगानी पड़ती। इस देश में आजादी के बाद किसी सरकार ने इतना महत्वपूर्ण सेक्टर, आने वाले समय में इसकी महत्ता बढ़ने वाली है, इसमें कोई दुविधा होने का कारण नहीं था, फिर भी हमारे देश में कभी भी एविएशन पॉलिसी नहीं थी। हमने आकर के एविएशन पॉलिसी बनाई और एविएशन को अगर हम ये गलती करेंगे, क्योंकि एक जमाना था कि महाराजा की तस्वीर रहा करती थी उसके ऊपर, आज ये सामान्य कॉमन मैन का है। जब अटल जी की सरकार थी तो हमारे एविएशन मिनिस्टर थे, मैं तो राजनीति में बहुत संगठन का एक कोने में काम करता था, मैंने उनको कहा कि आज भी हवाई जहाज पर ये महाराजा का चित्र क्यों लगाया रखते हो? उस जमाने में महाराजा लोग के लेवल बैठते थे। मैंने कहा अब तो आपको लक्ष्मण के कार्टून में जो कॉमन मैन होता है ना, उसकी तस्वीर लगानी चाहिए, वो हवाई जहाज में बैठा है। और बाद में अटल जी की सरकार के समय वो शुरू भी किया गया। हमने कहा कि क्यों ना मेरे देश में जो हवाई चप्पल पहनता है वो भी हवाई जहाज में उड़ना चाहिए। हमने उड़ान योजना लाई, देश में 100 से ज्यादा नए एयरपोर्ट बनाना या पुराने पड़े हैं तो उसको ठीक करना और उसको कार्यरत करने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। छोटे छोटे स्थान पर हवाई जहाज चले, छोटे चले, 20 लोगों को ले जाने वाले, 30 लोगों को ले जाने वाले, लेकिन आज लोगों को गति चाहिए। और हमने एक योजना ऐसी बनाई खास करके नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए कि जिसमें 2,500 रुपए की टिकट
और दौर इसमें जो कठिनाई भरा क्षेत्र है जहां कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है उस पर भी हम बल दे रहे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी भाइयों बहनों, हमारे देश में इतने वर्षों से जो हवाई जहाज खरीदे गए चलाए गए, आज हमारे देश में करीब करीब 450 हवाई जहाज ऑपरेशनल हैं, देश में सेवा में है 450, सरकारी हो प्राइवेट हो सब मिलाकर। आजादी से अब तक हम 450 पर पहुंचे हैं। आपको जानकर के खुशी होगी इस एक वर्ष में इस देश के एविएशन सेक्टर से लोगों द्वारा 900 नए हवाई जहाज के ऑर्डर बुक किए गए हैं, यानी आजादी के 70 साल हो गए 450 और इस एक वर्ष में 900 नए हवाई जहाज खरीदने का ऑर्डर बुक हुआ। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी तेजी से एविएशन सेक्टर आगे बढ़ रहा है और एविएशन सेक्टर रोजगार की भी नई संभावनाएं लेकर के आता है। और अभी जब देवेंद्र जी बता रहे थे कि इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जल से जमीन से आकाश से, इसके कारण इकोनॉमिकल एक्टिविटी कितनी वाइब्रेंट होती है। दुनिया का एक स्टडी है कि एविएशन सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 100 रुपया लगाया जाता है तो समय रहते उसमें से 325 रुपया निकलता है। इतनी ताकत है, रोजगार देने की संभावनाएं बहुत है। भारत के टूरिज्म को भी बढ़ाना है। भारत इतना विविधताओं से भरा देश है, अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी मिल जाए तो दुनिया के लोग एक जिले में अगर महीना भी निकाल दें तो भी शायद पूरा देख करके नहीं जा सकते। इतनी विविधताओं से भरा हुआ हमारा देश है। ये एविएशन सेक्टर, इसकी ताकत देश के टूरिज्म को भी बहुत बड़ा बल देंगे। और टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है कि जहां कम से कम पूंजी निवेश से अधिकतम रोजी रोटी कमाई जा सकती है। और टूरिज्म में हर कोई कमाएगा, टैक्सी वाला कमाएगा, ऑटो रिक्शा वाला कमाएगा, गेस्ट हाउस वाला कमाएगा, फल फूल बेचने वाला कमाएगा, मंदिर के बाहर बैठा हुआ पूजा पाठ करने वाला भी कमाएगा, हर कोई कमाता है। ये जो एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने के पीछे हमारा प्रयास है वो टूरिज्म के साथ भी सीधा सीधा जोड़ा हुआ है। मुझे विश्वास है कि आज का ये नवी मुंबई ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास, और मैं हमेशा कार्यक्रम में पूछता रहता हूं भाई पूरा कब होगा, क्योंकि वो पुराने जमाने का अनुभव कैसा है आप लोगों को मालूम है। तो हमने देश को उस कल्चर से बाहर निकालने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन करेंगे। आपने काम दिया है तो हम उसको पूरा करके रहेंगे। और मैं देख रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट इन दिनों में देख रहा हूं मुंबई और महाराष्ट्र में, मैं मोटा मोटा अंदाज लगा 2022 और 2022 के तुरंत का कालखंड कैसा होगा, थोड़ा विजुलाइज कीजिए क्या होगा। शायद इसके पहले 20-25 साल में भी कभी आप सोच नहीं पाए होंगे। अगर 2022, 23, 24, 25 इस कालखंड को देखें तो आप देखेंगे कि यहीं पर आपके आंखों के सामने नवी मुंबई के एयरपोर्ट से विमान उड़ने लगे होंगे। इसी कालखंड में जब समंदर पार 22 किलोमीटर लंबे ट्रांस हार्बर रिंग रोड पर आपकी गाड़ियां पूर्व झड़प से दौड़ती होगी, इसी कालखंड में मुंबई डबल लाइन सब अर्बन कॉरिडोर का काम पूरी तेज गति से पूरा हो गया होगा, उसी प्रकार से उसी समय आपके यहां समंदर से जुड़े हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं, पानी से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए, रेल से जुड़े हुए, एक साथ 22 के आसपास के समय में आपको नजर आने लगेंगे। और दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्टैचू भी तैयार हो गया होगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे बदल आएगा, कैसे बदल जाएगा। तो मैं इन सारे इनिशिएटिव के लिए श्रीमान देवेंद्र जी को,
केंद्र में मेरी टीम के साथ ही गणपति राजू जी, नितिन गडकरी जी, इन सबको बधाई देते हुए आप सबको बहुत जल्द इस हवाई यात्रा का अवसर यहीं से मिल जाए, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।